नमस्कार। प्रधानमंत्री आवास योजना की वाराणसी में अब तक कितनी प्रगति हुई है, इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वाराणसी के परियोजना निदेशक DRDA उमेश मणि त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी नमस्कार, आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। त्रिपाठी जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अब तक वाराणसी में प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या प्रगति हुई है, मतलब कितने लोगों को इस आवास का लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की अगर हम बात करें तो ये योजना 2016-17 से प्रभावी है जी। और जनपद में अब तक 2016-17 से और जो आज की स्थिति है 12,746 परिवारों को जी हाँ। हमने आवासीय सुविधा प्रदान की है और अगर प्रगति की बात करें तो 11,400 के लगभग आवास हमारे आज की डेट में कंप्लीट हो गए हैं। लाभार्थी उन आवासों में निवास कर रहे हैं जी। और शेष जो हमारे अभी बचे हुए हैं आवास, वो भी निर्माणाधीन है, काम चल रहा है, उसमें इस साल की भी प्रगति हमने शामिल किया है। लाभार्थी को पहली किस्त तो सबको दी जा चुकी है जो 12,746 की हमने बात किया था जी जी और सभी आवासों में दूसरी किस्त भी मैक्सिमम को दे दी गई है और हमारा लक्ष्य है कि हम 31 जनवरी तक जो 12,746 की हमारी संख्या है, ये सभी आवासों को पूर्ण करा करके और लाभार्थियों को उसमें हम निवास करने की सुविधा मुहैया करा सकें। अच्छा सर, ये बताइए जो ये आवास है इसके लिए क्या पात्रता है और ये जो इसके लिए लाभार्थी आप लोग किस प्रकार से चयन करते हैं, कैसे लोगों को चयनित करते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में के चयन की जो प्रक्रिया है जी हाँ, ये 2011 में भारत सरकार ने एक SCCC सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराई थी जी जी, उसके आधार पर सूची तैयार की गई है जिसको हम SEC सूची 2011 कहते हैं। उसमें तमाम सारी क्राइटेरिया बनाई गई थी, वो टैबलेट से पहली बार ये गणना की गई थी जिसमें हर परिवार के ग्रामीण क्षेत्र के हर परिवार का डाटा सुरक्षित रखा गया था और उसमें से जो पात्र व्यक्ति थे, जो आवास विहीन थे, जिनके पास कोई संसाधन नहीं था जी जी, उन लोगों की सूची हर ग्राम पंचायत की तैयार की गई, उसके आधार पर हम आवास की सुविधा मुहैया कराते हैं। जब आवास का लक्ष्य में भारत सरकार से राज्य को जब लक्ष्य प्राप्त होता है, राज्य से फिर हमारे जिले को जब आवंटन होता है, तो जो पॉपुलेशन है जिले की उसके हिसाब से हम ब्लॉकों को, ग्राम पंचायतों को ये लक्ष्य आवंटित करते हैं और जो हमारे पात्र परिवार हैं उस सूची में जी हाँ, उस हिसाब से हम उनका चयन करते हैं। चयन की प्रक्रिया ये है कि जब हम टारगेट देते हैं ग्राम पंचायत, उसके पहले जो है वो अपनी एक खुली बैठक करती है और उसमें जो सूची 2011 की बनी हुई है उसमें से लोगों का डिस्कशन करके पात्रता का परीक्षण ग्राम पंचायत करती है कि कितने लोग पात्र हैं, कितने हो सकता है कोई ह्यूमन इरर से, गलती से अपात्र आ गया हो, तो फिर उनके बारे में वो अपनी रिपोर्ट गांव सभा तय करती है और जो पात्र होते हैं उनका फिर हम ब्लॉक पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन जब उनका हो जाता है फिर जो हमारा टारगेट होता है उस टारगेट के हिसाब से हम उनका जियो टैग भी कराते हैं। जियो टैगिंग में आवास के जो लाभार्थी हैं उन वो जहाँ रहते हैं, जहाँ अपना आवास बनाएंगे, उनके फोटोग्राफ्स उस पर अपलोड करते हैं। जियो टैग जब हो जाता है, ये ब्लॉक लेवल की प्रक्रिया है, वहाँ से फिर वो जिले पर आता है, जिले पर हम फिर उनका परीक्षण करके उसे सैंक्शन करते हैं। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, कहीं इसमें मैनुअल वर्क नहीं होता है। जी जी, जब हम सैंक्शन कर देते हैं तो फिर ये BDO के पोर्टल पे ट्रांसफ़र हो जाता है और BDO जो है उसमें FTO जनरेट करता है। FTO जो है वो ब्लॉक पे अकाउंटेंट और BDO का डोंगल लगता है, फर्स्ट सिग्नेचरी जो है इसमें अकाउंटेंट है संबंधित ब्लॉक का, वो अपना डोंगल लगाता है जी। फिर BDO अपना डोंगल लगाता है और थ्रू PFMS बेनिफिशरी के अकाउंट में जो है वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। लाभार्थियों को हम जो आवास की धनराशि है वो 1,20,000 रुपये की है, हम उसे 3 किस्तों में देते हैं। पहली किस्त 40,000 रुपये की होती है जो प्लिंथ स्तर तक का वो काम कर लेता है, फिर उसके आवास के हम फोटोग्राफ्स को जी हाँ, साइट पे अपलोड करते हैं, फिर सेकंड किस्त के लिए है उसकी डिमांड होती है। सेकंड किस्त में हम 70,000 रुपये देते हैं जिसमें लाभार्थी को अपना छत ढलैया तक का काम कराना है, उसमें रंगाई पुताई करानी है, उसका पेंटिंग कराना है। उसके बाद अंतिम किस्त हम 10,000 की देते हैं जो 1,20,000 रुपये हुआ।
इसके अतिरिक्त लाभार्थी को हम 90 दिन का महात्मा गांधी नरेगा स्कीम के तहत जो लेबर कंपोनेंट है, मजदूरी है, वो भी हम देते हैं, जो इस 1,20,000 के अतिरिक्त होती है, वर्तमान में 182 रुपए पर डे के हिसाब से है। जी जी। इसके अतिरिक्त उसे हम मनरेगा से ही जी हाँ। या स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अगर उसका नाम है लोबी में, तो हम 12,000 रुपए शौचालय के लिए भी मुहैया कराते हैं जी। आवास के साथ जो है ये भी एक आवास के साथ जुड़ा हुआ जी जी 12,000 रुपए वो भी हम देते हैं। लाभार्थी के पास अगर गैस कनेक्शन नहीं है तो हम उज्ज्वला योजना के तहत उसे कनेक्शन भी उपलब्ध कराते हैं। अगर उसके घर बिजली पहले से नहीं है तो हम सौभाग्य योजना के तहत उसे बिजली की भी सुविधा देते हैं। तो इस प्रकार से एक लाभार्थी को अपने जीवन स्तर में व्यापक सुधार के लिए सरकार ने ये सारे चीज़ों की व्यवस्था की है, ताकि एक आदमी एक अपना पारिवारिक जीवन जो है वो खुशहाली से गुजार सके। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या आप कोई विशेष जानकारी देना चाहेंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना लेने के लिए इच्छुक भी है लोग और उन्हें इसकी जानकारी नहीं, तो ऐसे क्या डॉक्यूमेंट्स या कागज तैयार रखे जिससे उनको आसानी से मिल सके? इसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं तैयार करना है, सारी सूची जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। जी हाँ, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। हाँ हाँ। कोई भी गांव का व्यक्ति किसी भी साइबर कैफे पर जाकर के, जन सुविधा केंद्र पर जाकर के अपने गाँव का डाटा देख सकता है। उसमें अगर उसका नाम होगा तो ये जो पात्रता सूची हमारे गांव की बनती है, ये प्रायोरिटी लिस्ट पहले से डिसाइडेड है। जी जी। हम उसी वरीयता क्रम में जो टारगेट आता है उस हिसाब से आवास देते हैं। अच्छा अच्छा। हम टारगेट का किसी भी कीमत पे विचलन नहीं कर सकते। जी जी। अगर कहीं विचलन की स्थिति आती है तो उसका जेन्युइन रीजन हमें बताना पड़ता है कि हम क्यों कर रहे हैं? किसी को हम यहाँ आवास नहीं दे रहे हैं, उसका रीजन क्या उसका है? क्या कारण और है? उसके आगे के व्यक्ति को हम लाभान्वित कर रहे हैं। क्यों अगर नाम है तो हर व्यक्ति को ये सुविधा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। 2022 तक जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि हम प्रत्येक आवास विहीन परिवार को आवास दे, बिल्कुल। तो 2022 तो खैर काफी लंबा है अभी, इस समय अगर हम आंकड़े की बात करें तो हमारे वाराणसी जनपद में जी हाँ। जो 2011 की सेक सूची है, लगभग 450 परिवार ही केवल और वंचित रह गए हैं। अच्छा। अगर ये लक्ष्य हमें मिल जाएगा तो इन लाभार्थियों को हम अगले वित्तीय वर्ष में तो 100% सैचुरेट कर ही देंगे, पूरा कर लेंगे। 2022 के पहले ही हम वाराणसी जनपद को जितने भी हमारे सेक सूची में नाम है उन सभी लाभार्थियों को आवास की सुविधा उपलब्ध करा देंगे। जी सर, प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक जितनी प्रगति हुई, इस बारे में आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।